उत्पलेशं सभासाद्या इवचित्रामहेश्वरी चित्रोत्परेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा, चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 19वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने टीला में विराजित भगवान रामोदर हनुमान जी के दर्शन किए। आज की इस कड़ी में हम दर्शन करेंगे भगवान फणिकेश्वर महादेव जी का, जो कि महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी सूखा नदी के तट पर स्थित फिंगेश्वर नामक नगर में विराजित है। तो आइए आरम्भ करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का नामकरण जिन गढ़ों की गिनती के आधार पर हुआ है, उनमें से एक गढ़ है फिंगेश्वर। फिंगेश्वर रायपुर से लगभग 63 किलोमीटर, राजिम से 18 किलोमीटर एवं महासमुंद से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में राजिम महासमुंद मार्ग पर महानदी के दक्षिणी तट से लगभग 12 किलोमीटर दूर सूखा नदी के किनारे बसा है फिंगेश्वर। सूखा नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसके तट पर बसे फिंगेश्वर नगर में विराजित भगवान फिंगेश्वर महादेव जी के मंदिर को हम चित्रोत्पला की धारा में समाहित कर रहे हैं। फिंगेश्वर में धार्मिक आस्था एवं पुरातत्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है फणिकेश्वरनाथ महादेव मंदिर। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ के अनुसार इस मंदिर का निर्माण काल 13वीं-14वीं शताब्दी है। फणिकेश्वरनाथ महादेव मंदिर का निर्माण परवर्ती फणि नागवंशी शासकों द्वारा करवाया गया था, जैसा कि हमें पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विभाग छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त होती है। मंदिर के अधिकांश भाग लाल भूरे बालुका प्रस्तर से निर्मित हैं। मुख्य गर्भगृह की बाह्य भित्ति पर कृष्ण पत्थर से निर्मित कुछ प्रतिमाएं जटित हैं। मंदिर के ऊर्ध्व विन्यास में अधिष्ठान, जंघा, शिखर, आमलक एवं कलश सम्मिलित हैं। मंदिर के तल विन्यास में तीन गर्भगृह हैं तथा तीनों से संयुक्त एक मंडप है। मंदिर पूर्वाभिमुखी है, जिसमें मुख्य गर्भगृह का मुख पूर्व दिशा की ओर है। अन्य दोनों लघु गर्भगृह उत्तराभिमुखी एवं दक्षिणाभिमुखी हैं। पार्श्व गर्भगृहों की ऊंचाई मुख्य गर्भगृह की ऊंचाई से कम है। इनके अधिष्ठान भाग मुख्य गर्भगृह के समान हैं तथा जंघा भाग दो तलों में निर्मित हैं। लघु गर्भगृह की जंघा पर प्रतिमाएँ जटित नहीं हैं तथा इनके शिखर भाग उड़ीसा शैली में निर्मित हैं। प्रत्येक लघु गर्भगृह का शिखर 7-7 थरों से निर्मित है। प्रत्येक थर में ऊपर की ओर उठे हुए कपोत निर्मित हैं तथा इनके ऊपर आमलक एवं कलश स्थापित किए गए हैं। मुख्य गर्भगृह अधिष्ठान से शिखर तक 8.5 मीटर ऊंचा है। इसके ऊर्ध्व विन्यास में अधिष्ठान, जंघा, शिखर, आमलक एवं कलश सम्मिलित हैं। शिखर के मध्य रथ में कीर्तिमुख अंकित है। मुख्य गर्भगृह की जंघा पर दो स्तरों में कृष्ण पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं जटित हैं। शिखर की शुक नासिका पर गज शार्दुल की प्रतिमा निर्मित है एवं ग्रीवा पर बैठे हुए योगी की प्रतिमा दृष्टिगोचर होती है। अधिष्ठान भाग कपोत पालियों एवं पुष्पों से सुसज्जित है। वहीं जंघा का भाग कृष्ण पत्थर से निर्मित प्रतिमाओं से सुसज्जित है। आइए इन प्रतिमाओं का निकट से अवलोकन करते हैं। दक्षिणी बाह्य भित्ति की जंघा पर पार्श्व रथों में निचली पंक्ति पर हम देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार की मिथुन प्रतिमाएं। वहीं मध्य रथ पर भगवान विष्णु के नृसिंहावतार का अंकन है। भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यप का पेट चीरते हुए एवं उसी प्रकार पार्श्वरथों में हम पुनः विभिन्न प्रकार के मैथुन के दृश्य देख सकते हैं। दक्षिणी जंघा की ऊपरी पंक्ति में मध्य में श्री राम बैठे हैं, जो हनुमान जी को मुद्रिका सौंप रहे हैं। उनके पीछे
पंखा झलते हुए लक्ष्मण जी खड़े हैं एवं उनके पीछे जो दृश्य है वहां हनुमान जी माता सीता के समक्ष मुद्रिका प्रस्तुत कर रहे हैं। इन प्रतिमाओं के समक्ष एक यष्टि एवं कमंडलुधारी योगी की प्रतिमा है, उनके पीछे शिव पूजन करते हुए हनुमान जी की प्रतिमा है। ऊपरी पंक्ति के मध्य रथ में अश्वारोहियों की प्रतिमा है एवं उनके पार्श्व में मयूर का अत्यंत कलात्मक अंकन है। इनके पार्श्व में मृदंग एवं सुषिर वाद्य बजाते हुए दो वादक हैं जिनके मध्य में एक स्त्री नृत्य कर रही है। इनके पार्श्व में एक गज को दर्शाया गया है। यह जो दृश्य हम देख रहे हैं यह मंदिर के पश्चिमी भित्ति का दृश्य है। मुख्य गर्भगृह पंचरथ प्रकार से निर्मित है जिनमें कर्ण रथ में छह छह आमलक बने हुए हैं। पश्चिमी बाह्य भित्ति की जंघा पर कर्ण रथ की निचली पंक्ति में हम मैथुन के दो दृश्य देख सकते हैं। पार्श्व रथ में मृदंगवादिका एवं नृत्य गणपति के दृश्य हम देख रहे हैं। मध्य रथ में वेणुवादक एवं नृत्य करती हुई स्त्री प्रतिमा एवं उनके पार्श्व रथों में मैथुन के विविध दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। ऊपरी पंक्ति में हम राम लक्ष्मण एवं सीता जी को देख सकते हैं। इनके पार्श्व रथ में हम बाली एवं सुग्रीव का युद्ध देख रहे हैं। मध्य रथ में दो धनुर्धारी योद्धा एवं भगवान के नृवाराह स्वरूप का अंकन है। वराहावतार के उत्तरी भाग में उमा महेश्वर बाली सुग्रीव एवं अन्य धनुर्धारी योद्धाओं का अंकन है। उत्तरी बाह्य भित्ति का अधिष्ठान भाग भी पूर्ववत ही है एवं इसके भी जंघा भाग में दो पंक्तियों में प्रतिमाएं अंकित हैं। निचली पंक्ति में कर्ण रथ एवं अनुरथ में विभिन्न प्रकार के मैथुन दृश्य हम देख सकते हैं। मध्य रथ में गदा युद्ध करते दो पुरुषों को हम देख रहे हैं एवं इनके पार्श्व के अन्य रथों में हम मैथुन के दृश्य एवं गणेश जी की प्रतिमा भी देख सकते हैं। उत्तरी भित्ति की ऊपरी पंक्ति में धनुर्धारी भगवान का मत्स्यावतार, कच्छप अवतार, बुद्ध अवतार एवं रामावतार का अंकन है। जिसे मैं बुद्ध प्रतिमा कह रहा हूँ वह किसी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा भी हो सकती है। इसका कारण है उनके हृदय पर अंकित कमल। पार्श्वथरों में दो धनुर्धर एवं भगवती महिषमर्दिनी की प्रतिमा दृष्टव्य है। अब अवलोकन करें मंडप का। मंडप तीनों गर्भगृहों से संयुक्त है तथा षोडश स्तंभों पर आधारित है। मंडप में प्रवेश हेतु पूर्व दिशा की ओर निर्मित प्रवेश द्वार की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है जिसके दोनों ओर 2.3 मीटर लंबी भित्तियां बनी हुई हैं। मंडप वर्गाकार है जिसकी लंबाई 5.6 मीटर एवं चौड़ाई भी 5.6 मीटर ही है। यह चारों ओर से 70 सेंटीमीटर ऊंची प्रस्तर भित्तियों से घिरा हुआ है। मंडप के 12 स्तंभ भित्तियों पर स्थापित हैं जबकि शेष 4 स्तंभ मध्य में स्थापित हैं। दक्षिणी पार्श्व का गर्भगृह वर्गाकार है जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। इसकी लंबाई 1.6 मीटर एवं चौड़ाई भी 1.6 मीटर है। इस गर्भगृह में कृष्ण बालुका प्रस्तर से निर्मित भगवान चतुर्भुजी विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित है जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं एक अस्पष्ट आकृति है। दक्षिणी गर्भगृह की भांति उत्तरी गर्भगृह भी वर्गाकार है जिसका आमाप दक्षिणी गर्भगृह की भांति ही है। इसके भीतर एक प्रस्तर निर्मित कलश स्थापित किया गया है। मंदिर की भित्तियों में नैऋत्य कोण की ओर कुछ अत्यंत प्राचीन एवं सुंदर प्रतिमा खंड हमें दृष्टिगोचर होते हैं यथा प्रतिमाओं के कटिभाग हम देख सकते हैं। ये प्रतिमाएं इस स्थान की प्राचीनता एवं कलात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। हम देख रहे हैं सुंदर ग्रीवा आभूषणों का अलंकरण। इनके पार्श्व में जो प्रतिमा है उनके निचले भाग में महिष का अंकन है अतः हम इन्हें देवी महिषमर्दिनी की प्रतिमा कह सकते हैं। इनके कटी से ऊपरी भाग उपस्थित नहीं है, केवल शीर्ष भाग हम देख पा रहे हैं। प्रतिमा भले ही पूर्ण रूप में
प्राप्त नहीं है, परंतु इस खंडित प्रतिमा से भी हम कलाकार की कलात्मकता का अनुमान लगा सकते हैं। इनके पार्श्व में हम नीचे देख रहे हैं मूषक एवं उनके ऊपर भगवान गणपति जी। ये समस्त प्रतिमाएं कृष्ण बालुका प्रस्तर से निर्मित हैं। अब आइए अवलोकन करें द्वार शाखा का। द्वार शाखा त्रिशाख प्रकार का है, जिसकी दक्षिणी पार्श्व में एक दर्पण धारण किए हुए नायिका का अंकन है। इसी प्रकार उत्तरी पार्श्व में एक चंवर धारण किए हुए नायिका का अंकन है। मुख्य शाखा के निचले भाग में नदी देवी का अंकन है। उनके ऊपर तीन पंक्तियों में पुष्प एवं पत्रावली है। कोने में हम देख पा रहे हैं भगवती लक्ष्मी जी की प्रतिमा। सिरदल के मध्य में हम गणपति जी को देख पा रहे हैं एवं दूसरे कोने में हम भगवती सरस्वती जी को। इस प्रतिमा को पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग महेश मर्दिनी की प्रतिमा मानता है एवं निचले भाग में पुनः हम नदी देवी की प्रतिमा को देख सकते हैं। मंडप में गर्भगृह के समक्ष नंदी की श्वेत प्रस्तर निर्मित प्रतिमा है। गर्भगृह के समक्ष उदुम्बर भाग में दो हाथियों की प्रतिमा है एवं गर्भगृह के मध्य हम दर्शन कर सकते हैं भगवान फणिकेश्वर महादेव जी का। नमः शिवाय मनोमयाय, नमः शिवाय। मंदिर के बाहर आग्नेय कोण में सती स्तंभ एवं दो अश्वारोहियों की प्रतिमा हम देख सकते हैं। इस प्रकार आज के चलचित्र में हमने फणिकेश्वर महादेव मंदिर का अवलोकन किया। आगामी चलचित्र में हम देवी शक्तिलहरी मंदिर के दर्शन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।